नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन स्टूपर्स नामक गेमिंग चैनल पर। तो दोस्तों, आज है पबजी मोबाइल लाइट चैंपियनशिप का इन गेम क्वालिफायर्स का दूसरा दिन। तो दोस्तों, अब तो आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है और साथ में इन गेम क्वालिफायर्स भी स्टार्ट कर दिए होंगे खेलना। तो दोस्तों, क्या रहा पहला दिन, कैसा रहा दोस्तों, आपने कितने मैच खेले और कितने आपके चिकन डिनर या कहेंगे कितने पॉइंट्स बचे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ टिप्स हैं जो दोस्तों आपको ध्यान। तो दोस्तों, अगर बात करें हैकर्स की, तो आपको पता है कि ये इन गेम क्वालिफायर्स है, इसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उनके एंटी थैफ्ट सिस्टम चलते हैं, यानी कि या कहें कि हमारे पबजी मोबाइल लाइट के जो ऑफिशियल्स हैं या कहें कि जो ऑफिशियल सर्वर्स हैं दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा सा एंटी थैफ्ट चलता है या कहें कि थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है। लेकिन दोस्तों, पबजी लाइट में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी नहीं है लाइक पबजी मोबाइल की, आपको फुल एंटी थैफ्ट मिलेगा या कहें कि हैकर्स आपको देखने को नहीं मिलते गेम में, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आए दिन हैक होते रहते हैं पबजी मोबाइल के, बहुत से हैकर्स आपसे मिले भी होंगे और आपने उनसे बात भी की होगी। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन क्वालिफायर है या इन गेम क्वालिफायर है दोस्तों, तो इसमें भी हैकर्स आएंगे और वो तुम्हें बजाएंगे भी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हैकर्स आके पूरे 10 के 10 मैचों में चिकन डिनर कर लेंगे और फिर वो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पबजी मोबाइल इतना भी हुतिया नहीं है या कहे कि इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो तो अपना चेक करेंगे ना कि कैसे बंदा है, कैसे मारा उसने, तो दोस्तों वहाँ पे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन जो बेस्ट टीम्स होंगी, जो आप लोग होंगे जिसको उन्होंने किल किया होगा या कहें कि एलिमिनेट किया होगा मैच के अंदर से दोस्तों, लेकिन आपका चांस रह जाएगा, आपका क्वालिफायर रह जाएगा। तो दोस्तों, हैकर्स का तो यह है कि बस करो, हो जाएगा उनका, तो यानी कि उनको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, दूसरों का कल्याण करके जाएंगे। तो दोस्तों, कैसे बचे इन हैकर से? तो दोस्तों, अगर टाइमिंग की बात करें तो कितने टाइम पे हैकर नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों मेरे को तो लगता है कि वो तो मुंह उठाया और उन्होंने पबजी हैक करी, जब मन करा तब तो वो चालू हो जाते हैं हैक करके खेलना। तो दोस्तों, कोई ऐसा फिक्स टाइम तो नहीं है, तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फिक्स टाइम नहीं है तो आपको देखना है, पहले आप क्या करें, एक मैच नॉर्मल खेलते हैं ये, और उसमें जाके आपको देखना होगा कि कैसा माहौल चल रहा है पबजी लाइट का, या कहें कि इन गेम में कैसा माहौल चल रहा है। तो एक कह सकते हैं कि एक ट्रायल गेम जरूर खेले अपने पूरे स्क्वाड के साथ, नहीं एक स्क्वाड के साथ। तो दोस्तों, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं आपकी लॉबी में, तो उस टाइम पे फिर आपको अपने रजिस्टर्ड स्क्वाड के साथ जाके एक चिकन डिनर मारना होगा 15 से 20 किल्स के साथ। दोस्तों, आराम से हो जाएंगे 15 से 20 किल्स। दोस्तों, कल मैं खेल रहा था अपने पूरे स्क्वाड के साथ, तो मानोगे नहीं, हमारे 3 मैचों में और क्या या कहे कि पहले और दूसरे फर्स्ट 2 मैचों में हमारे चिकन डिनर हुए, वो भी 17 किल्स के साथ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, बहुत ही आसान है, लेकिन हमें कोई हैकर तो देखने को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, सेकंड मैच में एक जगह तो कुछ ऐसा लगा कि मेरे को वो हैकर है, लेकिन लास्ट में हमने उसको मार गिराया दोस्तों। हाँ, ये है कि एमओ बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई थी, 2 राउंड्स में वो मरा था, लेकिन हमें लगा हैकर है, लेकिन हमने बाईपास किया या कहें कि हमने अपने टूर्नामेंट पर ध्यान दिया। तो अब दोस्तों, बात आती है कि अब क्या कर सकते हैं इनको लेके। तो दोस्तों, अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि आपके क्या कहते हैं, आपके स्क्वाड में कोई ब्रॉन्ज लेवल का बंदा है, तो ब्रॉन्ज लेवल से स्टार्ट करवाएंगे तो हो सकता है कि हमें बोट्स मिले और हमें किल भी मिलेगी और आराम से चिकन डिनर। तो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि दोस्तों तुम्हें पता है कि हैकर अभी नए नए अकाउंट बना के खेलते हैं, तो वो भी ब्रॉन्ज लेवल पे ही होते हैं या कहें कि गोल्ड लेवल पे होते हैं। तो दोस्तों, ये गलती अगर आप करोगे तो हैकर्स से मिलोगे ही, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आपका जो मीडियम लेवल बंदा है या कहीं कि डायमंड का हो गया या सिल्वर का हो गया दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी बंदा हो तो उससे गेम स्टार्ट कराइए दोस्तों, फ़ायदा दोनों ही होगा। और अगर आपकी टीम में एबिलिटी है तो दोस्तों आपकी टीम चिकन डिनर भी मारेगी। हाँ, तो दोस्तों मेरे में कौन कौन से 3 एस के बंदे हैं, 1 ब्रॉन्ज का बंदा है, जो कि हमें एक चौथा प्लेयर है जो मिल नहीं रहा था, हमने उसको नए गेम स्टार्ट करवाई
तो दोस्तों हमने उससे नहीं करवाया, क्योंकि हमने क्या किया दोस्तों, पहला और दूसरा मैच हमने एस बंदे से चालू करवाया, या कहें कि कैप्टन मैं था तो मैं एस पे था तो मैंने चालू किया। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरा मैच अपने छोटे दोस्त, या कहें कि लो लेवल वाले टीममेट, या कहें कि गोल्ड लेवल वाले टीममेट को दिया, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम हमारा क्या हुआ, जो तीसरा मैच है बहुत ही बेकार गया। उसमें उस बंदे के तो 6-6 के लाए, लेकिन दोस्तों एक में जाके हमें हैकर मिल गया और उसने हमें ठोक दिया, या कहें कि हम नहीं ठोक पाए उसको, तो उन्होंने हमें ठोक दिया। तो दोस्तों एबिलिटीज़ तो ठीक है, लेकिन आपके पास सुपर पावर हो तो आप नॉर्मल बंदा कोई आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों उनका हैकर्स का काम ही हैक करना, तो हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है उनको। तो दोस्तों ये थी ट्रिप्स की आप हैकर्स से कैसे बचेंगे। तो दोस्तों और साथ में अगर कहें कि क्वालिफाई कैसे करना है, तो दोस्तों आपको मैक्सिमम किल्स के साथ प्लेसमेंट पॉइंट अच्छी लेनी होगी, तो आपकी टीम इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। तो हाँ दोस्तों आपको बस ये देखना होगा कि आपकी मैक्सिमम किल्स के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि दोस्तों इन गेम क्वालिफायर है, कोई कस्टम रूम तो है नहीं कि आपको लपेट देगी टीम। हाँ वो अलग बात है, थोड़ा सा लेवल होता है आप अगर आप एसओ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों आप किल्स के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। और दोस्तों फिर इसके बाद अगर आपका एक मैचों में 40 किल आता है, तो दोस्तों आप टॉप पे रहेंगे 44 टीम्स में। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स। दोस्तों अगर आपको टिप्स अच्छे लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट ट्रिक्स और अपडेट्स की वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल से मिलती रहे। तो दोस्तों अब तक के लिए और तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक आपके टूर्नामेंट के लिए। आई होप कि हम 44 में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।